फिल्म त्रिदेव सहित कई फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस सोनम 49 साल की हो गई है। सोनम का असली नाम बख्तावर खान है। आपको बता दें कि वे एक्टर रजा मुराद के रिश्तेदार हैं। 27 साल पहले इंडस्ट्री छोड़ चुकी सोनम अब गुमनाम की जिंदगी जी रही है। अपनी पहली फिल्म विजय से स्क्रीन पर बोल्डनेस का तड़का लगाने वाली सोनम ने फिल्मों में खुद को एक्सपोज करने में कभी परहेज नहीं किया। फिल्मों में बिकनी पहनना और खुद को बोल्ड दिखाना उनके लिए आम बात थी। उन्होंने महज 7 साल की फिल्मी करियर में कई सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया। प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने वाली सोनम की पर्सनल लाइफ कुछ खास नहीं रही। आज के इस वीडियो में ओ यो गर्ल के नाम से फेमस सोनम की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में जानेंगे। सोनम ने 16 साल की उम्र में यश चोपड़ा की फिल्म विजय से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में वे खुद से दोगुनी उम्र के ऋषि कपूर के साथ रोमांस करती नजर आई थी। मल्टी स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन स्क्रीन की सोनम की बोल्डनेस को सभी ने नोटिस किया और उन्हें धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। सोनम की फिल्म त्रिदेव ने रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म को करते करते सोनम को डायरेक्टर राजीव कुमार से प्यार हो गया था। कुछ साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 1991 में शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद सोनम ने 1993 में एक बेटे को जन्म। बाद उन्होंने कुछ साल और फिल्मों में काम किया। फिर उन्हें अंडरवर्ल्ड की धमकी मिलने लगी और उन्होंने पति के साथ देश छोड़ विदेश चली गई। कपल लॉस एंजलिस और फिर स्विट्जरलैंड में सेटल हो गए। हालांकि सोनम की शादी शुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। शादी के कुछ साल बाद कपल में अनबन शुरू हो गई और दोनों 2001 से अलग रहने लगे। सोनम के साथ अपने रिलेशनशिप पर राजीव राय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 15 सालों से हम वेकेशन पर जा रहे थे, लेकिन दोनों अलग अलग कमरों में ठहरते थे। बेटे की पढ़ाई के लिए हम दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहे। हम बहुत पहले अलग होना चाहते थे, लेकिन बेटे के 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे। अब वह 23 का हो गया है और मैच्योरिटी से हमारे डिसीजन को एक्सेप्ट कर चुका है। अगर वो इस डिसीजन से खुश नहीं होता तो हम अपनी अपनी ज़िंदगी अलग नहीं जी पाते। पति से 15 साल बाद सोनम ने तलाक लिया था। दरअसल वे चाहती थी कि जब उनका बेटा 18 साल का हो जाएगा तभी वे राजीव राय से तलाक लेगी। दोनों का तलाक 2016 में फाइनल हुआ। पति से तलाक लेने के बाद सोनम को दोबारा प्यार हुआ और उन्होंने 44 की उम्र में पुडुचेरी के डॉक्टर मुरली पुडवाल से दूसरी शादी की। आपको बता दें कि आज सोनम का बेटा 28 साल का हो गया। सोनम ने आखिरी अदालत मिट्टी और सोना सच्चाई की ताकत गोला बारूद क्रोध स्वर्ग जैसा घर अजूबा फतेह दुश्मन देवता विश्वात्मा बाजी पुलिस वाला इंसानियत जैसी फिल्मों में काम किया है।